ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, ठीक है, ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, देन लिम्फैटिक ड्रेनेज एंड देन नर्व सप्लाई ऑफ किडनी, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने किडनी के इंट्रोडक्शन को ही देख लिया है, उसमें एक कुछ पार्ट ये भी आते हैं, इसमें ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी, लिम्फैटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी में दो तरह के सप्लाई आते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई किडनी में दो तरह के सप्लाई आते हैं, जिसमें पहला सप्लाई होता है हमारा आर्टेरियल सप्लाई। पहला सप्लाई क्या होता है? आर्टेरियल सप्लाई, जिसमें फ्रेश ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है। और दूसरा सप्लाई होता है वेनस सप्लाई। कौन सप्लाई? वेनस सप्लाई, जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यहां तक क्लियर? चलिए उसके बाद क्या है हमारा? लिम्फैटिक ड्रेनेज, जिसमें क्या होता है कि लिम्फैटिक ड्रेनेज में हम लोग उसके जो भी एक्स्ट्रा लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स के माध्यम से जो भी उसमें पाया जाता है वो बाहर निकलने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्व सप्लाई, ठीक है। नर्व सप्लाई में होता क्या चीज है कि किडनी किस तरह फंक्शन करता है, कौन उसको कराता है, ठीक है। तो वो नर्व भी एक ऐसा पार्ट होता है जो कि हर एक ऑर्गन में उसके फंक्शन के लिए जिम्मेवार होता है, ठीक है, उसके फंक्शन के लिए वो जिम्मेवार होता है। चलिए अब हम लोग आते हैं पहला, इसको डिटेल देखते हैं, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हमारा क्या है? आर्टेरियल सप्लाई, ठीक। तो आर्टेरियल सप्लाई में आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये जो आप लोग को सेंटर में जो रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये सेंटर में जो रेड कलर का दिख रहा है ये है हमारा आर्टेरियल सप्लाई, ठीक है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, ठीक। और ये ग्रीन ब्लू टाइप का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा वेनस सप्लाई, एक लेफ्ट की तरफ और एक राइट की तरफ, ठीक। यही इसी तरह आपका सारे किडनी में होता है, ठीक है, यहाँ एक रेड वाला जो है वो आपका है आर्टेरियल सप्लाई, ब्लू वाला वेनस सप्लाई और येलो वाला जो है पीला टाइप का, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, येलो वाला जो है ये आपका होता है नीचे का यूरेटर। तो हम लोग आते हैं आर्टेरियल सप्लाई में, तो ये आर्टेरियल सप्लाई में क्या करता है? जो रीनल आर्टरी होता है, कौन आर्टरी? रीनल आर्टरी होता है, वही हमारे किडनी को ब्लड सप्लाई देता है। कौन देता है? रीनल आर्टरी। एक्चुअली रीनल आर्टरी जो होता है वो हमारा एब्डोमिनल एओर्टा का एक पार्ट, ठीक है, रीनल आर्टरी जो है वो हमारे एब्डोमिनल एओर्टा का एक पार्ट होता है, वही आर्टरी हमारे लेफ्ट और राइट, ठीक है, हमारे लेफ्ट और राइट दोनों किडनी को ये सप्लाई देने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं वेनस सप्लाई, ठीक है, वेनस सप्लाई। अब वेनस सप्लाई में आने के बाद हम लोग देखते हैं ये रीनल वेन, ठीक है, रीनल वेन मतलब क्या हो गया कि जो भी हमारा आर्टेरियल सप्लाई उस किडनी में गया और वो सेल्स टिश्यू उसमें से ऑक्सीजन लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड को दिया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस माध्यम से लेकर के आएगा और फिर वो हार्ट और लंग्स तक कैसे पहुंचेगा, तो वो सप्लाई में आता हमारा वेनस सप्लाई। दैट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस माध्यम से वहां से आ रहा है, तो हमारे किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो आता है हमारा रीनल वेन के थ्रू। क्लियर? इसके थ्रू आता है वो हमारा रीनल वेन के थ्रू किडनी के अंदर से वो कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, वो भी किसमें आता है हमारा? इंफेरियर वेना कावा में आकर के अटैच हो जाता है लेफ्ट और राइट दोनों साइड से। क्लियर? अब आते हैं हम लिम्फैटिक ड्रेनेज में। तो लिम्फैटिक ड्रेनेज में जो आप इस आता है वो होता है हमारा एओर्टिक नोड्स,
सेंट्रल एओर्टिक नोड्स लोकेटेड एट द लेवल ऑफ ऑरिजिन ऑफ रीनल आर्टरी। तो जहां पर रीनल आर्टरी होता है ठीक है, वहीं के पास ये लोकेटेड होता है, वहीं से इसका ओरिजिन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं नर्व सप्लाई में। ठीक, तो नर्व सप्लाई में कौन सा नर्व होता है? रीनल प्लेक्सस। ठीक है, रीनल प्लेक्सस नर्व होता है जो कि हमारे किडनी को सप्लाई देता है। वही आता ये जो होता हमारा सिंपैथेटिक नर्व से होता बना हुआ, जिसमें कि L1 ठीक है और थोरेसिक 10 नंबर वर्टिब्रा का नर्व, ठीक है, थोरेसिक 10 नंबर वर्टिब्रा का नर्व और लंबर 1 नंबर का वर्टिब्रा का नर्व सिंपैथेटिक नर्व कहलाता है, वही इसको सप्लाई देता है। साथ ही साथ दो नर्व और आते हैं T10 और T12 का, ठीक है, T10 एंड T12 नर्व ये दोनों मिल करके हमारे किडनी की देखभाल फंक्शन सारे क्रियाओं को देखता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी आर्टेरियल सप्लाई एंड वेनस सप्लाई। आर्टेरियल सप्लाई में कहता है देयर इज वन रीनल आर्टरी ऑन इच साइड, मतलब कि दोनों साइड लेफ्ट और राइट दोनों साइड, अराइजिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल आर्टरी, मतलब कि सेंटर से जो आर्टरी जा रहा है एब्डोमिनल आर्टरी, उसी से हमारा एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड आर्टरी निकलती है जिसे हम लोग रीनल आर्टरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग रीनल सप्लाई में। देयर इज रीनल वेन्स व्हिच ड्रेन इनटू द इंफीरियर वेना कावा, यानी कि नीचे से जो वेन ऊपर की तरफ जाती है, जो नीचे से वेन ऊपर की तरफ जाती है हार्ट में, वो होता है हमारा इंफीरियर वेना कावा। उसी इंफीरियर वेना कावा में किडनी से वेन निकल करके ठीक है जा करके उसमें अपना सारा डीऑक्सीमेटेड ब्लड निकालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिम्फैटिक ड्रेनेज। लिम्फैटिक ड्रेनेज ऑफ द किडनी ड्रेन इनटू द लेटरल एओर्टिक नोड्स लोकेटेड एट द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ रीनल आर्टरी। तो जहां से एब्डोमिनल आर्टरी से रीनल आर्टरी निकलता, एब्डोमिनल आर्टरी के पास से जो रीनल आर्टरी निकलता है उसी के पास हमारा ये एओर्टिक नोड्स लेटरल एओर्टिक नोड्स होता है, इसमें नोड्स जिसमें कि हमारे लिम्फैटिक ड्रेनेज का काम चालू होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नर्वस सप्लाई में। द किडनी इज सप्लाइड बाय रीनल प्लेक्सस, इट कंटेन्स सिंपैथेटिक नर्व T10 टू T11। द एफरेंट नर्व ऑफ द किडनी बिलोंग टू सेगमेंट T10 टू T11 नर्व्स। क्लियर है, चलिए एक बार फिर आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि शेयर करने में आसानी होगी। ब्लड सप्लाई ऑफ किडनी ठीक है, उसके अंदर का टॉपिक है आर्टेरियल सप्लाई के अंदर। देयर इज वन रीनल आर्टरी ऑन इच साइड अराइजिंग फ्रॉम द एब्डोमिनल एओर्टा। देन हमको वेनस सप्लाई, देयर इज रीनल वेन विच ड्रेन इंटू द इंफेरियर वेना कावा। देन हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, द लिम्फेटिक्स ऑफ द किडनी ड्रेन इंटू द लेटरल एओर्टिक नोड्स लोकेटेड एट द लेवल ऑफ ओरिजिन ऑफ द रीनल आर्टरीज। ठीक है, देन हमारा नर्वस सप्लाई। नर्व सप्लाई में आते हैं हम लोग। द किडनी इज सप्लाइड बाय द रीनल प्लेक्सस, इट कंटेन्स सिंपैथेटिक नर्व T10
टू टी 11 द एफरेंट नर्व ऑफ किडनी बिलोंग्स टू सेगमेंट टी 10 टू टी 12।